मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा अंतर्गत नवाब मालिक ने किया नामांकन। रज्जाक शेख, क्या कहना चाहेंगे आज नवाब मलिक के इस अप्रत्याशित भीड़ को देखकर, क्या कहना चाहेंगे? नवाब मलिक साहब मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा से 50,000 लीड से जीत रहे हैं, ये कन्फर्म है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ मानपुर शिवाजी नगर में माननीय नवाब मलिक साहब जो अनुशक्ति नगर में काम हुआ है, ये आप स्टैंडिंग तीन टर्म से आमदार थे, अबू आजमी ने इधर कुछ काम नहीं किया है। क्या आन परी कि लोगों ने कहा कि माहौल बदलना जरूरी है, किस तरीके का माहौल था जिसे बदलने की जरूरत पड़ रही? ये तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि गवंडी में 15 सालों में क्या माहौल था और उसको क्या बदलने की ज़रूरत है। आज गवंडी अगर किसी भी प्रतिनिधि को सपोर्ट कर रही है तो उनकी एक सोच है कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहिए गवंडी में, जो 15 सालों में नहीं हुआ। और इसीलिए जितने भी लोग आए हुए हैं, ये पैसा देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये घर की कुछ जिम्मेदारियां लेके आए हैं कि उनके बच्चे नशा ना करें, कि उनके बच्चे कामयाब हों। पूर्व मंत्री व अनुशक्ति नगर विधायक नवाब मलिक ने मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा से अपना नामांकन दर्ज किया। नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट के विधायक हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन के दौरान ढोलबाजे के साथ हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद रहे। नवाब मलिक ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक अफ्तान मलिक मौजूद रहे। नगर का यह इलाका है, हम आपको बताना चाहेंगे ये अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रहा है, जहाँ हजारों हजार की संख्या में महिलाएं और पुरुष हैं। वही नवाब मलिक आज चुनावी प्रचार का पर्चा दाखिल करने वाले हैं, जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ दिखाई दे रही है। ये नज़ारा है आज का इस शिवाजी नगर सुंदर के लोकतंत्र का नज़ारा है, जहाँ नवाब मलिक के स्वागत करते हुए वहीं आज इस पर्चा दाखिले के मौके पर हमारे बीच मौजूद हैं कप्तान मलिक, जो कि नगर सेवक रहे हैं। कप्तान मलिक साहब, क्या कुछ पोजीशन रहेगा नवाब मलिक का? ये जो जन समूह है इसको देख के आप पोजीशन लगाने का काम करिए। ये स्थानिक लोग हैं, हम जैसे उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ नवाब मलिक का पर्चा दाखिल कराने आए, बाकी जो भी जनता आपको दिख रही है यहाँ की स्थानिक है। ये मानपुर शिवाजी नगर का इलाका है, जहाँ आज नवाब मलिक आज चुनावी पर्चा भरने जा रहे हैं। वहीं इस सिलसिले में तमाम भीड़ यहां दिखाई दे रही है। हम आपको बताना चाहेंगे महिलाओं और पुरुषों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है इस चुनावी प्रचार, यानी कहा जा सकता है चुनावी पर्चा दाखिले के दौरान तमाम अप्रत्याशित भीड़ यहां दिखाई दे रही है। स्वयं नवाब मलिक जीप पे सवार लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा ही कहा जा सकता है कहीं न कहीं माहौल बदलने की तैयारी की जा रही है। आज नवाब मलिक के समर्थन में हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मानपुर शिवाजी नगर से नवाब मलिक आज पर्चा दाखिला कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर तमाम भीड़, यानी अप्रत्याशित भीड़ यहाँ देखने को मिली है। वहीं आज हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रज्जाक शेख, क्या कहना चाहेंगे आज नवाब मलिक के इस अप्रत्याशित भीड़ को देखकर, क्या कहना चाहेंगे? नवाब मलिक साहब मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा से 50,000 लीड से जीत रहे, ये कन्फर्म है। क्या कहना चाहेंगे? आज स्वयं नवाब मलिक जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, आज मानपुर शिवाजी नगर से पर्चा दाखिले का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है, जहाँ स्वयं नवाब मलिक जीप पे सवार लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि माहौल जो है वो बिल्कुल नवाब मलिक के प्रति होने जा रहा है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे अनुशक्ति नगर इलाके से दो बार विधायक रह चुके नवाब मलिक, पहली बार मानपुर शिवाजी नगर से
इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं आज पर्चा दाखिले के कार्यक्रम में लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं, स्वयं हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं नवाब मलिक साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हूँ जना महाराष्ट्र अपना, और जैसे यहाँ पे शिवाजी नगर में बहुत ज़्यादा नशेड़ी चालू है, गली गली में नशा कर करके गली में बैठते हैं और औरतों को बहुत तकलीफ़ देते हैं, और जो हमारी बच्चियाँ हैं बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर नशा मुक्ति के ऊपर नवाब मलिक साहब काम कर रहे हैं, इसके हमारे लिए हमारी जितनी महिला है सब खुश हैं। क्या आन परी कि लोगों ने कहा कि माहौल बदलना ज़रूरी है, किस तरीके का माहौल था जिसे बदलने की ज़रूरत पड़ रही? ये तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि गवंडी में 15 सालों में क्या माहौल था और उसको क्या बदलने की ज़रूरत है। आज गवंडी अगर किसी भी प्रतिनिधि को सपोर्ट कर रही है तो उनकी एक सोच है कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहिए गवंडी में, जो 15 सालों में नहीं हुआ। और इसीलिए जितने भी लोग आए हुए हैं, ये पैसा देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये घर की कुछ जिम्मेदारियां लेके आए हैं कि उनके बच्चे नशा ना करें, कि उनके बच्चे कामयाब हैं। इस भीड़ को देखते हुए आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि नवाब मलिक अच्छे नेता हैं, हर जगह इन्होंने काम अच्छा किया है, हम लोग भी सोचते हैं हम इन्हीं को लाएं चुन के और ये विकास का एकदम विकास बदलेंगे, ये अच्छे नेता हैं। नहीं तो कहीं आपको नहीं लगता है कि ये उनके लिए नया एरिया है इस तरीके का? नया एरिया नहीं, उनके नवाब मलिक के लिए जूना एरिया ही है, पब्लिक उनको चाहती है और पब्लिक उनको दिल से प्यार भी करती है। जब भी इतनी भीड़ आई है यहाँ पर, नहीं तो भीड़ आने का सवाल ही पैदा नहीं है, नवाब मलिक की हर जगह छवि अच्छी रहेगी। आपा इस बार का जो चुनावी माहौल है क्या कुछ कह रहा है? जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी तादाद, बहुत बड़ी विशाल रैली निकली है नवाब मलिक के लिए, क्योंकि कितने ऐसे आए कि जो दिल से आए, खुद से आए हुए, बिना बुलाए हुए दिल से आई हुई पब्लिक है, इसलिए आई है कि देश अपना इधर का गवंडी बदलना चाहिए। गवंडी इस तरह से हो चुका है कि नशे में डूब चुका है, नशे में इतना डूब चुका है कि बच्चे छोटी छोटी उम्र में बहुत सारा केस झेल लिए और नशे में ऐसा हो गया कि माँ बाप को नहीं पहचान रहे। तो ये पब्लिक चाहती है कि अभी माहौल बदलना चाहिए, इसलिए हम सब का एक मांग है कि नवाब मलिक साहब खुद खड़े रहे और हम उनको जिताना चाहते हैं। और पूरी विशाल रैली एक इसलिए निकली है कि वो ही आने वाले कल में हमारे MLA बने, ताकि हमारे लिए असेंबली में बोले, विधानसभा में बोले और मंत्रालय में बोले, ऐसे ही वो हर जगह बोले, ताकि गरीब के हक के लिए और हर एक मुसलमान के हक के लिए और एक हिंदू भाइयों, मुसलमान है जो भी भाई बहन, एक मिलता एक हिसाब से एक मेल जोल बनाकर हर त्यौहार मनाते, उसी तरह से ये हमारे लिए एक मेल जोल बना के रखे, हिंदू मुसलमान को भाई भाई बना के रखे, भाईचारा ऐसे ही बना रहे।